आज हम देखेंगे मैथ का पहला प्रॉब्लम विच इज प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता क्या है? वो नंबर जो इसके फैक्टर्स या तो वो खुद सेम नंबर हो या तो वन हो, अदर देन दैट कोई भी उसका फैक्टर नहीं रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल 5 है तो वो डिविजिबल है सिर्फ 1 से एंड 5 से। ठीक है, बीच में कोई भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं है। प्राइम नंबर का बेसिक आपको पता है? एक काम करो, 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर बताओ कौन कौन से है। वन से लेकर 10 तक कौन कौन से प्राइम नंबर है? कोई भी नहीं। 1, 2, 3, 5 एंड 7। 1, 2, 3, 5, 7। टू थ्री ऑल राइट। तो अभी प्रोग्रामेटिकली देखते इसको कैसे करते हैं। चलो अभी सब लेट अस इनपुट 1 है डायरेक्टली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा कंडीशन देंगे। इफ इनपुट इज ट्रू उसके लिए भी कंडीशन रहेगा, और बाकी के जो है 3, मतलब 3 से आगे जो है उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हम क्या करेंगे, ब्लॉक लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा बेस क्या रहेगा कि एक नंबर हम पास करेंगे, अगर वो नंबर 2 से बड़ा है, ठीक है 2 से बड़ा है तो हम उस नंबर तक इटरेट करेंगे, एक एक नंबर चेक करेंगे। अगर बीच में वो कहीं पे भी डिविजिबल दिखता है हमें तो हम क्या करेंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे और प्रिंट करेंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अदरवाइज अगर वो नंबर तक हम जाते हैं एट द एंड, मतलब वो लूप अगर लेट से 5 मेरा इनपुट है तो वो अगर 3 से या फिर 2 से 5 तक जा रहा है प्रॉपरली, बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। मैं आपको इसका कोड लिखता हूँ एक बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट से हमारा इनपुट क्या है, एन विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो बेसिक एक लूप लिखेंगे कि फॉर, चलो यहाँ पे भी इफ एन इज इक्वल इक्वल टू 1, क्या करें हैं? कंसोल डॉट लॉग प्राइम नंबर। ठीक है, अब फ्रॉम 2 टू द नंबर विच वी आर पासिंग, फॉर लेट अस से लेट आई इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू एन। अच्छा, इक्वल टू की जरूरत नहीं है, आई टेल यू व्हाई। आई प्लस प्लस इफ इन केस एन इज डिविजिबल बाय आई, इन केस एन इज डिविजिबल बाय आई मतलब क्या होगा, एन मॉड आई इक्वल इक्वल 0। इफ दिस हैपन्स उसका मतलब सबसे पहले तो उसको प्रिंट कर देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। एंड ब्रेक कर देंगे, अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या होगा वो भी देखेंगे। चलो ठीक है, अभी फिलहाल ब्रेक नहीं करते इसको, एल्स कंसोल डॉट लॉग प्राइम नंबर। चलो इतना है हमारे पास कि अगर एन इक्वल इक्वल टू 1 हुआ तो डायरेक्ट हम प्रिंट करेंगे वो तो प्राइम नंबर है, अगर वो उससे बड़ा हुआ मतलब वो एल्स में ही जाएगा। फॉर आई इक्वल टू 2 मतलब स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू उसको 2 है, आई लेस देन एन मतलब वो एन माइनस 1 तक जाएगा, आई प्लस प्लस ईच टाइम एक एक स्टेप एक एक नंबर वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट। अगर इन बिटवीन
एन इज डिविजिबल बाय आई, मतलब सबसे पहले एन सॉरी आई की वैल्यू टू थे, टू है, एन की वैल्यू फाइव है, फाइव मॉड टू ये इक्वल टू वन है, मतलब देखो फाइव मॉड टू करेंगे तो उसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा वन, ठीक है, तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा, ये ब्लॉक के अंदर, वो एल्स में जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले देखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये तीन बार प्रिंट हुआ, क्यों? इसके लिए काम करती है, इसको वन लिखते हैं, मतलब ऐसा वन प्राइम नंबर, बिकॉज ये वाला जो लाइन है वो प्रिंट नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। तो एट द एंड क्या हो रहा है, ये वाली जो लाइन है वो तीन बार एग्जीक्यूट हो रही है, विच शुड नॉट हैपन। हाँ, तो ये तीन बार क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि सबसे पहले वैल्यू क्या था आई का, टू, फिर हुआ थ्री, फिर हुआ फोर, और जैसे आई का वैल्यू फाइव हुआ ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और वो लूप के बाहर आ गया, ठीक है। पर जब हम ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाते हैं तब तीन बार प्रिंट नहीं होना चाहिए, एक ही बार उसका जो फाइनल आउटपुट है वो आना चाहिए कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। लेट अस से मैं यहाँ पे एन की वैल्यू सिक्स कर रहा हूँ, अब क्या होगा, आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब ये चार उसने प्रिंट किया, एक फर्स्ट किया नॉट अ प्राइम नंबर, दूसरा भी नॉट अ प्राइम नंबर, तीसरा प्राइम नंबर, चौथा प्राइम नंबर, विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं बूलियन टाइप का जिसमें ट्रू या फॉल्स सेव करते हैं, सो लेट अस से फ्लैग नाम से कुछ भी रखते हैं, इक्वल टू ट्रू। अब मैं मान के चलता हूँ कि मैं जो भी ट्रू का मतलब क्या है, मान के चलता हूँ ट्रू इक्वल टू प्राइम नंबर, कि मैं जो भी नंबर पास करूँगा वो प्राइम प्राइम नंबर ही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नहीं आएगा अभी, यहाँ पे बस मैं क्या करूँगा, फ्लैग की वैल्यू चेंज करूँगा, अगर वो इन बिटवीन मतलब टू से लेकर एन माइनस वन तक कहीं पे भी जाके वो डिविजिबल होता है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए फ्लैग की वैल्यू फॉल्स, एल्स तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी उसकी वैल्यू मतलब फ्लैग की वैल्यू हमने ट्रू ही रखी है। हाँ, तो इन बिटवीन अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स एंड ब्रेक, दैट्स इट। बाद में अभी देखो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने वो प्रिंट वाला स्टेटमेंट कहीं पे लिखा ही नहीं है। इफ हम बोल रहे कि फ्लैग अगर ट्रू हुआ तो क्या करना है, फ्लैग ट्रू हुआ तो उसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर है, एल्स नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, चलो सिक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, फाइव इज अ प्राइम नंबर, थ्री इज अ प्राइम नंबर, टू इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, सेवन इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, एट इज नॉट अ प्राइम नंबर, नाइन इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। तो लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम इसमें दो वेरिएशन देखेंगे, जिसके अंदर पहला क्या होगा कि जो भी इनपुट दूंगा मैं आउटपुट में मुझे बस ये मिलना चाहिए कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है। अब दूसरा वाला जो वेरिएशन है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मैं कोई भी नंबर पास करूंगा लेट अस से 10, तो 1 से लेकर 10 तक इन बिटवीन जितने भी प्राइम नंबर्स है वो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइम नंबर का लॉजिक इतना ही है, और ये पूरा ऑप्टिमाइज्ड नहीं है अभी तक, ठीक है, इसका ऑप्टिमाइज वर्जन भी आपको मैं बताऊंगा एट द एंड।
अब ये काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स है। ब्रूट फोर्स मतलब क्या कि हम इसके अंदर सारे वेरिएशन ट्राई करेंगे विदाउट चेकिंग, मतलब विदाउट थिंकिंग ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये मुझे देख के बताओ कि इस पूरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। पूरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग सॉरी, बिग ऑफ ऑफ एन। कौन बोला ये? शुभम, ऋषिकेश, आरती, सागर, आपको क्या लगता है? यस यस लगता है। बिग ऑफ क्या है? एन है पक्का? सर ओके आरती, आपको क्या लगता है? आरती को कुछ नहीं लगता है। चलो ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही है, क्योंकि जो भी नंबर हम पास कर रहे हैं वो वहां तक इटरेट हो ही रहा है। ठीक है, मतलब 2 से लेके वो 100-1 तक जा रहा है। ऑलराइट, और पूरे जो क्या बोलते हैं, पूरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे तो बिग ऑफ वन इनिशियल, मतलब इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे भी बिग ऑफ वन क्योंकि लूप कोई चल नहीं रहा है। यहाँ पे भी बिग ऑफ वन, नो लूप। यहाँ पे बस क्या हो रहा है, लूप चल रहा है। ठीक है, और पूरे प्रोग्राम में जहाँ पे भी आपको लूप दिखता है सबसे पहले वहाँ पे जाके देखिए कि वो कितना टाइम्स चल रहा है। मतलब अगर वो एन टाइम्स चल रहा है तो बिग ऑफ एन। अगर दो लूप है नेस्टेड इन बिटवीन, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दोनों भी एन एन तक चल रहे हैं, तो मतलब एन क्रॉस एन, एन स्क्वायर। ठीक है, 3 लूप एक दूसरे के अंदर है, मतलब एन क्रॉस एन क्रॉस एन, मतलब एन क्यूब। तो जो मैक्सिमम वाला जो है, देखो ये जो है वो है बिग ऑफ एन। अब दो लूप होते हैं एक दूसरे के अंदर तो बिग ऑफ एन स्क्वायर। अगर पूरे प्रोग्राम में ये एक लूप और वो वैसा वाला, मतलब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन और वो वाला जो लूप एक दूसरे के अंदर जो है जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हुई, और कोई आपको पूछता है कि पूरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा। ठीक है, जो बड़ा वाला नंबर है वो। अगर क्यूब वाला भी कोई होता, क्यूबिक वाला, तो पूरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या? तो बिग ऑफ एन क्यूब। ठीक है, सबसे बड़ा वाला आपको जो भी आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो आपको बताना है। ऑलराइट, बस अभी हम क्या करेंगे, ये जो है इतना वाला प्रोग्राम, इसको एक फंक्शन के अंदर ले लेंगे। फंक्शन होता क्या है, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। चेक प्राइमर को एन पास करेंगे। और ये जरा अच्छा नहीं दिख रहा है अभी। चलो, तो हमने एक फंक्शन बनाया चेक प्राइम नाम से। अभी इसका टास्क क्या होगा कि जो भी नंबर मैं इसको पास करूंगा इट शुड रिटर्न ट्रू इफ द नंबर इज प्राइम, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो इसने क्या करना चाहिए कि अगर वो नंबर जो है प्राइम है तो बस क्या रिटर्न करेगा, वो ट्रू। अगर वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो इफ एन इज इक्वल इक्वल टू 1, रिटर्न ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे भी इफ एल्स की जरूरत नहीं है अभी। रिटर्न फ्लैग, अच्छा समझा ये क्या किया? रुको फिर से एक बार बताता हूँ। अगर एन की वैल्यू 1 है तो रिटर्न ट्रू, मतलब वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब वो एन की वैल्यू 1 नहीं है, लेट अस से 5 है, तो 2 से लेकर 4 तक एक लूप चलेगा।
उसमें हम ये भी चेक कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये फ्लैग इसके अंदर डालना पड़ेगा हमें, विदाउट फ्लैग चलेगा नहीं हमारा काम। ऑलराइट, तो सपोज अभी एन की वैल्यू 100 है, तो 2 से लेकर 99 तक लूप चलेगा। इन बिटवीन अगर वो कहीं पे भी डिविजिबल दिखता है हमें, नॉन प्राइम लगता है, तो हम क्या करेंगे, फ्लैग को फॉल्स करेंगे, ब्रेक कर देंगे। फ्लैग को फॉल्स कर दिया, ब्रेक कर दिया, मतलब क्या, लूप के बाहर आ गए और जो भी फ्लैग की वैल्यू हुई वो ट्रू, मतलब सॉरी, रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग करूंगा किसको, चेक प्राइम को, और यहाँ पे पास करूंगा एन। एन की वैल्यू क्या है, 100, ठीक है, तो फॉल्स रिटर्न हुआ। अब चलो एक काम करते हैं, 7 पास करते हैं, 7 तो प्राइम नंबर है तो ट्रू आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ट्रू आया। एक चीज़ और कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट अगर प्रिंट नहीं करना है ट्रू या फॉल्स, आपको प्राइम या नॉन प्राइम ये दोनों आपको प्रिंट करना है, तो इफ चेक प्राइम ऑफ एन कंसोल डॉट लॉग प्राइम नॉन प्राइम को करना है। अच्छा हाँ, इक्वल इक्वल टू ट्रू की जरूरत नहीं होती अभी, ठीक है। इफ के अंदर आपने इतना भी पास कर दिया चेक प्राइम, तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जो भी रिटर्न हो रहा है वो बूलियन हो रहा है, मतलब क्या होगा, लेटेस्ट से अब मान के चलते यहाँ पे फॉल्स आया। इफ फॉल्स, राइट, मतलब चेक प्राइम ने लेटेस्ट से फॉल्स रिटर्न किया, तो क्या होगा, इफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और हमको पता है कि अगर यहाँ पे ट्रू आता है तभी इफ वाला जो ब्लॉक है वो चलता है, अगर फॉल्स आता है तो वो नहीं चलता है, ठीक है। अगर लेटर से चेक प्राइम ऑफ एन विच इज 7 राइट नाउ, उसने ट्रू रिटर्न किया, तो उसका जो भी ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इक्वल इक्वल टू ट्रू करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर प्लेइंग विथ बुलियंस। हाँ, तो एक और हमारा जो सेकंड वेरिएशन है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी नंबर पास करना है लेटेस्ट से, आप भी हम करेंगे पास 10, तो क्या होना चाहिए, ये वाले सब जो नंबर से वो प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, लेट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, सो 10 नहीं अभी एन है, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। बस अब मैं क्या करूँगा, चेक प्राइम को कॉल करूँगा, जो हमने अभी अभी लिखा था इफ चेक प्राइम, और यहाँ पे क्या पास करूँगा, चेक प्राइम को कौन सी वैल्यू जाएगी, चेक प्राइम फंक्शन को कौन सा वैल्यू पास करूँगा, अभी कितना, एन 10, एन 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 नहीं, इसको पास करेंगे हम आई, क्योंकि देखो एन में क्या है अभी 10, हमें क्या क्या चेक करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में से, ओ आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम क्या करेंगे, एक एक नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। अब 1 प्राइम है उसको रहने दो, 2 प्राइम है उसको रहने दो, 3 प्राइम है उसको भी रहने दो, 4 प्राइम है निकाल दो, 5 प्राइम है रहने दो, 6 प्राइम है क्या, नहीं, 7 प्राइम है, 8, 9 प्राइम नहीं निकाल दो, 10 प्राइम है नहीं निकाल दो, मतलब एक एक नंबर को चेक कर रहे हैं ना, तो वो एक एक नंबर किस में आएगा, आई में आएगा, सो दैट इज वाई आई पास करेंगे। और सेम चीज कंसोल डॉट लॉग, अगर वो प्राइम है तो उसको प्रिंट करो, एंड स्पेस देने के लिए दिस वन, एल्स की तो जरूरत ही नहीं है।
दैट्स इट। अच्छा हाँ, वो एक लाइन में तो नहीं आएगा, बड़े बड़े कंसोल डॉट लॉक किया हमने। अगर आपको स्टिल एक लाइन में चाहिए तो आप स्ट्रिंग वगैरह ले यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपको स्टिल एक लाइन में चाहिए वो, तो यू कैन डू दिस। str देखते हैं भी क्या प्रिंट होता है। नो अगर वो मिला तो एस्टर के अंदर जाएगा, एस्टर प्लस ये फिर भी नंबर ही मिल रहा है उसको। छोड़ो, देखते हैं कभी बाद में। बट यू कैन स्ट्रिंग अभी मुझे काम करो, अभी बताओ कि इस पूरे प्रोग्राम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। एनीवन, पूरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर एन स्क्वायर क्यू। दो लूप चले हैं एन के, नहीं पर वो नेस्टेड है क्या? जब तक लूप नेस्टेड नहीं है तब तक एन स्क्वायर नहीं हो सकता, ये याद रखो। चलो एक लूप तो यहाँ पे है, दूसरा लूप यहाँ पे। अब बताओ कि क्या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है। हाँ नहीं ऐसा नहीं है पक्का तो क्या है? ब्रेक ऑफ एरिया आना चाहिए एन सिर्फ एन। एरिया यस एरिया ओके, एनीवन एल्स? सागर एंड शुभम ये दोनों बात कर रहे हैं, बाकी के लोग किधर चले गए? ऋषिकेश। आरती। एनी ओके, एन ठीक ओके। तो देखो ये वाला लूप जो है वो कब एग्जीक्यूट होगा? जब जब ये मेथड को कॉल होगा, राइट राइट और रॉन्ग? जब जब इस चेक प्राइम मेथड को कॉल होगा, मतलब फंक्शन को कॉल होगा, तब तब ये लूप चलने वाला है, राइट और रॉन्ग? सर तो मुझे बताओ कि चेक प्राइम नंबर, आई मीन चेक प्राइम जो फंक्शन है हमारा, वो कितनी बार कॉल हुआ है? एक बार? टेन हाँ बोलो। टाइम्स 10 टाइम्स कॉल हुआ है, मतलब जब जब ये लूप चला है तब तब चेक प्राइम को कॉल हुआ है, और तब तब वो लूप चला है, मतलब दोनों लूप चल रहे हैं, राइट? पर कैसा? नेस्टेड फॉर्मेट में। अब लेटेस्ट से मैंने इसको एज ए फंक्शन ना लेते हुए डायरेक्ट ये वाला जो कोड है उसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो सेम काम होने वाला है, कुछ चेंज होगा?
अब इसको देख के बताओ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। एन स्क्वायर हाँ, तो इस प्रोग्राम की स्टिल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? एन स्क्वायर, क्योंकि दिखने में स्टिल अलग ये अलग अलग दिख रहे हैं, पर ये वाला जो फॉर लूप है जो कि चेक करता है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, वो स्टिल इस बड़े वाले लूप के अंदर है जो एक एक नंबर को पास कर रहा है चेक करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई बिग ऑफ एन स्क्वायर। ऑल्दो ये सबसे ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं है प्राइम नंबर चेक करने का, एटलीस्ट आपको यहाँ तक अगर समझा होगा तो मैं ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन आपको बताऊंगा उसका। समझा यहाँ तक प्राइम नंबर चेक करने के लिए लॉजिक क्या लिखा है हमने? अच्छा ठीक है, पक्का समझे सबको? तो मैं इसको एक काम करते, इसको चेंज नहीं करते, नोटपैड में टाइप करते कुछ। एक मिनट दो बस। अच्छा, सबको स्क्रीन दिख रही है नोटपैड वाली? अच्छा, यस सर, व्हेन वी से 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 × 5 एंड 5 × 1, इसका कोई और फैक्टर है? लेट अस टॉक अबाउट 6। 6 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2 एंड 6 × 1, राइट? और रॉन्ग। चलो लेट अस टॉक अबाउट 8। अब 8 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 × 8, फोर2 × 2, इंटू टू 4, 4 × 2 4 × 2, 8 × 1। वन अब लेट अस टॉक अबाउट 10। 1 × 10, 2 × 5 और 5 × 2 5 × 2 और 10 × 1। वन ठीक है, अब एक प्राइम नंबर लेते हैं लेटेस्ट से, 11। 11 प्राइम नंबर है? यस अच्छा, 1 × 11 ये हुआ उसका पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या आएगा, क्या आएगा इसका भी? 11 × 1 एनीवन? 2 × कुछ नहीं आएगा, 3 × भी कुछ नहीं आएगा, 4 × भी कुछ नहीं आएगा, 5 × भी नहीं, 6 × भी नहीं, 7 × भी नहीं, 11 × 1 आएगा एट द एंड। तो जो प्राइम नंबर है उसके फैक्टर क्या होता है? 1 × वो सेम नंबर एंड वो नंबर इंटू 1। अब मेन चीज क्या है इसमें, नॉन प्राइम नंबर जो लेटेस्ट है 16, एक नंबर लिया हमने, यूजर तो कुछ भी इनपुट दे सकता है ना, तो 16 दिया उसने। अब 16 के फैक्टर क्या क्या हुए? 1 × 16 हुआ सबसे पहला फैक्टर, फिर 2 × 8 हुआ, राइट, 3 × 4, नहीं कितना, 4 × 4 हाँ 4 × 4, 4 × 4, ठीक है, अगेन 8 × 2 एंड 16 × 1, और एक नंबर लेते, चलो थोड़ा सा बड़ा और 20 लेते। 20, 20 इजी, 15 लेते चलो, तो 1 × 15, फिर 3 × 5 3 × 5, 5 × 3 5 × 3, एंड 15 × 1
इंटू वन। अरे ये क्या हो गया इसको। चलो और एक नंबर कोई भी आपके हिसाब से। अभी एक नंबर बताओ कोई भी। नहीं फोर्टीन लेते। चलो छोड़ो कोई भी एक नंबर लेना है। 1 × 14 एंड टू इंटू सेवन ये इजी वाले। चलो जो भी नॉन प्राइम नंबर से वो एक हद तक सिमिलर है, उसके बाद सब रिपीट हो रहे हैं। देखो 1 × 5 सॉरी 1 × 15, 3 × 5। उसके बाद देखो सेम नंबर से बस सीक्वेंस उल्टा है। 5 × 3, 15 × 1, अगेन 4 × 14, 1 × 14, 2 × 7, ठीक है। फिर आधे के बाद 7 × 2, 14 × 1। मतलब अगर हमने एक नंबर लिया 14 लेटर्स से, हमने 7 तक अगर चेक किया कि वो नंबर्स डिविजिबल है कि नहीं, अगर 7 तक मिल गया, मतलब 7 तक अगर हमने चेक किया और हमें मिला कि चलो 7 तक कोई भी नंबर बीच में डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर 7 तक भी चला वो सही से, तो वो क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स तो वैसे भी रिपीट हो रहे हैं हाफ के बाद। फिफ्टीन का एग्जाम्पल है, अगर तो मैं 1 से गया 5 तक, नहीं इसमें और एक नंबर आना चाहिए 7.5। नहीं चलो 15 का जो बीच वाला नंबर है, लेटेस्ट है, उसको पकड़ते हैं 7 या फिर 8 आपके हिसाब से, जो भी जो कोई भी 7 पकड़ते। चलो 7 तक अगर हमने चेक किया कि 1 × 5, चलो ठीक है 1 × 15 ना, 3 × 5 चेक किया हमने, मतलब एक कोई भी नंबर मिल गया हमें बीच वाला जो कि डिविजिबल है, तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। और 8:45 हो चुके हैं। चलो एक काम करते हैं, सेम चीज हम करते हैं, सेम चीज हम करते हैं प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली। कंपाइलर दिख रहा है? अच्छा हाँ, तो यहाँ पे एन तक ना जाते हुए हम क्या करेंगे, n/2 तक जाएंगे। हाँ एंड हमें कहीं और भी चेक करना पड़ेगा एड्रेस से। हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम 2। इसको 5 बार भी करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, अभी बेसिक वाला करते हैं। बेसिक वाला मतलब इस लूप को हटाएंगे, फंक्शन को हटाएंगे, चलो फ्लैग 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 इसकी जरूरत है क्या? ठीक है, इफ फ्लैग फॉल्स ब्रेक, या फिर से इफ फ्लैग कंसोल डॉट लॉग, अगर वो फ्लैग ट्रू है तो प्राइम, एल्स नॉन प्राइम। 10 इज नॉन प्राइम, 7
इज प्राइम, 9 नॉन प्राइम, 5 प्राइम, ओके, 3 इज ऑल्सो प्राइम, 2 इज प्राइम, 100,000, ओके, 99 नॉन प्राइम। देखो अब सेम चीज हो रही है यहाँ पे, 11 पास करके देखते हैं। 11 आई गेस प्राइम नंबर है, प्राइम, तो सेम चीज हो रही है बट काइंड ऑफ ऑप्टिमाइज्ड है। अब चलो इसको बोल, इस प्रोग्राम को देख के बोलो कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। बिग बिग ऑफ ऑफ एन, ओके, और कोई एनीवन एल्स बिग ऑफ नहीं, बिग ऑफ एन बाय टू, देखो जब लेटेस्ट से हम जा रहे हैं एन माइनस वन तक तब फर्क नहीं पड़ता, मतलब तब फर्क नहीं पड़ता मतलब अभी चलो एन की वैल्यू है 1000, ठीक है, और हम जा रहे हैं 2 से लेकर 1000 माइनस 1 मतलब विच इज 999। अब 1000 में से हमने एक निकाल दिया तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेटेस्ट से 10,000 है, 10,000 में से मैंने एक नंबर निकाल दिया 9999, कौन सा फर्क पड़ने वाला है कंपाइलर को? ऑलमोस्ट तो वो उतना ही चल रहा है, राइट? तो ऐसी केस में अगर -1, -2, -5, -10 तक भी होता है तो अब उसको एन पकड़ के ही चलते हैं। लेट से 1 मिलियन है, अब 1 मिलियन में से हमने 10 निकाल दिए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? वैसी कंडीशन में बिग ऑफ एन ही आएगा, बट अभी लेटेस्ट से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बाई टू कर रहा हूँ, एन बाई टू, इसका मतलब मैं इसको हाफ उसका निकाल दे रहा हूँ। लेटेस्ट से अभी 1000 मेरा एन की वैल्यू है तो वो लूप चलेगा 1000 डिवाइड बाय 2 मतलब 500 तक ही चलेगा, और यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। लेटेस्ट से एन की वैल्यू 1 मिलियन है तो वो 500,000 तक ही चल रहा है, ठीक है, बाई टू अगर दिखता है आपको एन के आगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बताओगे बिग ऑफ एन बाई टू, ठीक है, विच मेक्स सेंस, ठीक है। अब ये काइंड ऑफ ऑप्टिमाइज है, क्यों है? क्योंकि अगर एन की वैल्यू 1000 है तो 500 तक ही लूप चल रहा है, मतलब आधे टाइम में वो क्या कर रहा है आपको आंसर दे रहा है, ऑलराइट? काम सेम कर रहा है, टाइम कम ले रहा है। चलो तो प्राइम नंबर आई गेस आपको समझ में आ गया होगा क्या है, कैसा है, उसके वेरिएशंस कितने कितने हैं। अब बाकी के जो मैथ के प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।